बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स। माय नेम इज अलनवाज, आई एम फ्रॉम द एजुकेटेड स्कूल सोसाइटी कैंपस सिदादपुर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 3, क्लास 6, और सब्जेक्ट इज साइंस। इन प्रीवियस लेक्चर सर शाज़ हैव टोल्ड यू दैट व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है, ठीक है। वो आपने जाना होगा, आपको पता होगा कि सेल क्या है। हमारी जिंदगी सेल से स्टार्ट होती है। यहाँ सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अवर लाइफ, ठीक है। आज जो है हम सेल और टिश्यूज जो है उनका डिफरेंट मालूम करेंगे कि उनका डिफरेंट क्या है। मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दूंगा कि सेल कौन से होते हैं और टिश्यूज कौन से होते हैं। सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एक बात याद रखना, लाइफ उसी को होती है जो जानदार होता है, नॉन लिविंग को लाइफ नहीं होती। हम कह सकते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग्स या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि लाइफ उसी को होती है जो जानदार होता है, नॉन लिविंग को लाइफ नहीं होती। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अवर लाइफ स्टार्ट फ्रॉम द सेल, हमारी जिंदगी जो है वो सेल से शुरू होती है, ठीक है। अगर इश्यूज की बात करें तो मैं कह सकता हूं कि सेल कंबाइन दे फॉर्म टिश्यू या ग्रुप ऑफ सेल्स। अगर मैं थोड़ा डायग्राम बना दूं तो ये आपके अगर सेल है, अगर ये कंबाइन होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, तो वो एक टिश्यूज की सूरत में आ जाएंगे। तो हम इसको कहेंगे कि सेल कंबाइन दे फॉर्म टिश्यूज। ये अगर आपके सेल है, फॉर एग्जाम्पल ब्लड सेल है, या फॉर एग्जाम्पल मसल सेल है, या फॉर एग्जाम्पल स्केलेटल सेल्स जो है आपका, ये अगर सेल है तो ये कंबाइन हुए तो इन्होंने क्या बनाया, टिश्यू बनाया, टिश्यूज कहेंगे इनको, ठीक है। टिश्यू प्लांट्स में अपने टिश्यूज होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो उनमें अपने टिश्यूज होते हैं। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो यूनिसेलुलर के होते हैं, जो सिर्फ एक सेल में, एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन जो मल्टी सेलुलर होते हैं, जो बहुत सारे सेलों के बने होते हैं, जो जो हम कह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनमें बहुत सारे सेल पाए जाते हैं, ठीक है। वो जो होते हैं, जो मल्टी सेल होते हैं जिनमें ऑर्गन सिस्टम होता है, तो उसमें बहुत सारे सेल होते हैं, उनमें टिश्यूज भी होते हैं, ऑर्गन्स भी होते हैं, ऑर्गन सिस्टम भी होता है। मतलब कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम उसमें पाया जाता है जिसमें ह्यूमन बॉडी हो, अगर कोई भी, अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पूरी बॉडी होगी तो उसमें ऑर्गन सिस्टम पाया जाएगा, ठीक है। टिश्यू सेल्स, अगर मैं कुछ एग्जाम्पल लूँ सेल के, तो कौन से सेल होते हैं, एक होता है आपका न्यूरॉन सेल कह सकते हैं आप। न्यूरॉन सेल की किस्म बहुत होते हैं, नर्वस सिस्टम में आप जब पढ़ोगे तो उसमें आप न्यूरॉन पढ़ोगे, न्यूरॉन एक सेल होता है जो नर्वस सिस्टम आपको बनाता है पूरा, तो उसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। आपके बुक में एक टाइप दिया गया है जिसको कहते हैं मोटर न्यूरॉन, तीन टाइप होते हैं न्यूरॉन सेल के, एक होता है मोटर न्यूरॉन, दूसरा होता है सेंसरी न्यूरॉन, तीसरा आप कह सकते हैं इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन या मिक्स्ड न्यूरॉन। अगर मोटर न्यूरॉन की बात करें तो इसका जो वर्क होता है वो क्या करता है, ये कैरी इंपल्स, इंपल्स को लेके जाता है, इंपल्स हम कह सकते हैं नर्व इंपल्स को लेके जाता है, मैसेज को, मैसेज को लेके जाता है फ्रॉम अफेक्ट टू ब्रेन। अगर कोई हमें चोट लगे तो मैसेज को जो लेके जा रहा होता है वो न्यूरॉन लेके जाता है। हर सेल का अपना फंक्शन होता है, ठीक है। मोटर न्यूरॉन एक सेल है आपका, ठीक है, ये आपका एक सेल है। अगर आगे हम दूसरे सेल की बात करें, दूसरे सेल की बात करें तो आपका ब्लड भी एक सेल है, रेड ब्लड सेल जिसको कहते हैं। रेड ब्लड सेल जो है आपका, ये दरअसल आपका जो ब्लड है उसमें पाया जाता है सेल, ये आपका ब्लड बनाने में मदद करता है, या हम कह सकते हैं कि ये सेल वो होता है जो ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हमारा उसमें काम आता है, ठीक है। ये इनका अपना रेड ब्लड सेल का अपना वर्क होता है। बहुत सारे सेल हैं, जैसे आपका दूसरा है मसल सेल, मसल सेल का अपना फंक्शन होता है, मसल सेल्स आर दो सेल्स व्हिच मेड योर मसल्स, जो आपकी बॉडी के जो मसल्स हैं उनको बनाने में ये मसल सेल काम आते हैं। अगर मैं बात करूं कि मसल जो है वो आपका, अगर बोन, बोन्स जो है आपकी हड्डियां और मसल ये निकाल दे तो आपकी बॉडी इनकम्प्लीट हो जाएगी, आपकी बॉडी कंप्लीट नहीं होगी। दरअसल हम मूवमेंट नहीं कर सकते विदाउट मसल से,
तो हम कह सकते हैं कि मसल सेल विच हेल्प इन मूवमेंट। मूवमेंट दरअसल क्या होती है, इफ अ बॉडी इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस दिस इज नोन एज मूवमेंट। अगर फॉर एग्जांपल मैं घर से स्कूल आ रहा हूं, तो अगर ये मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं, तो इट मीन कि मेरे में मूवमेंट है। अगर मैं दरअसल कोई हरकत कर रहा हूं, जैसे चल रहा हूं, रनिंग कर रहा हूं या लिख रहा हूं, इट इज नोन एज मूवमेंट, इसको मूवमेंट कहते हैं। तो मसल सेल हमें क्या करते हैं, मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये आपके सारे सेल हो गए, ये तो हो गए सारे एनिमल सेल। ठीक है, अगर मैं प्लांट सेल्स की बात करूं तो प्लांट सेल्स जो होते हैं, आपका जाइलम सेल होता है, फ्लोएम होता है। ठीक है, तो ये आपके जो है वाटर प्रोवाइड करते हैं, कुछ जो है फूड को स्टोर करते हैं, द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इनका अपना अपना काम होता है, वो भी आप बुक में देख लेना। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टिश्यूज। टिश्यूज मैंने पहले ही लिख लिया है कि ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल होता है, या सेल कंबाइन दे फॉर्म टिश्यू, या सेल जब मिलते हैं तो वो टिश्यूज बनाते हैं। अगर टिश्यूज की बात करें तो पहला पहला जो आपके बुक में दिया गया है एपिथेलियल टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज। ये दरअसल इनका वर्क कौन सा होता है, ये दरअसल एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। मैंने आपको कहा कि मसल्स जो है, ये हमारा मसल, इनके सेल जब कंबाइन होते हैं तो, ठीक है, जब ये कंबाइन होते हैं तो पूरा जो ये जब कंबाइन होते हैं तो ये टिश्यूज बन जाते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, तो ये इनका वर्क जो होता है, हमारी जो स्किन होती है उसमें ये पाए जाते हैं। ठीक है, हमारी जो स्किन होती है उसमें ये पाए जाते हैं, हमारी बॉडी को कवर करते हैं, हमारी बॉडी को कवर करते हैं। ठीक है, पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, ये बनावट होती है, जो शेप होती है, वी कैन से दैट वो जो प्रोवाइड करते हैं वो एपिथेलियल टिश्यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके ब्लड भी आपके टिश्यूज होते हैं। ठीक है, ब्लड, रेड ब्लड सेल अलग बात है, आप ध्यान में रखना। तो सिर्फ मैं एक सेल की बात कर रहा हूँ, ब्लड में मैं नहीं कह रहा कि व्हाइट ब्लड सेल या रेड ब्लड सेल या आप कह सकते हो प्लेटलेट्स, वो भी सेल होते हैं, इनकी बात नहीं, मैंने जस्ट ब्लड लिखा है। ठीक है, रेड ब्लड सेल सेल जब आ रहा है, आप जब एक बात याद रखना कि जब भी किसी के सामने सेल आए, चाहे वो रेड ब्लड सेल हो, मोटर न्यूरॉन सेल हो या मसल सेल हो, तो वो इट मीन के वो एक सेल की बात हो रही है। लेकिन जब ये पूरा एक नाम आ रहा है ब्लड, ब्लड जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स, जब ब्लड रेड ब्लड सेल है तो जब रेड ब्लड सेल कंबाइन होते हैं, व्हेन रेड ब्लड सेल कंबाइन दे फॉर्म ब्लड, वो ब्लड बनाते हैं। तो ब्लड क्या होता है कि ब्लड का भी जो है वो मेन रोल होता है, होमोग्लोबिन होता है, वो जो है हार्ट पंप करती है, आप सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ोगे। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट सबस्टेंस अराउंड द बॉडी एंड डिफेंस अगेंस्ट डिजीज, ये क्या करते हैं कि ट्रांसपोर्ट करते हैं, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड। ठीक है, और हमारी बॉडी को डिजीज से डिफेंड करते हैं। अब यहाँ पर बात आ गई कि हमारी बॉडी को डिजीज से डिफेंड करते हैं, एक बात याद रखना कि जब वेन यू विल स्टडी इन फर्स्ट ईयर इंटर और नाइन्थ क्लास, तो वहां पर आप ब्लड के टाइप पढ़ेंगे, कौन से, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। तो व्हाइट ब्लड सेल का अलग काम होता है, दे आर लाइक पुलिसमैन ऑफ आवर बॉडी, वो जो है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, जब हमें कोई चोट लग जाती है, ठीक है, उसको जो है वो लेयर प्रोवाइड करते हैं व्हाइट ब्लड सेल वहां पर। ठीक है, तो हमारी ब्लीडिंग जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है, ये जो सबस्टेंस है हमारी बॉडी बॉडी में, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, और ये हमारी बॉडी, हमारी जो बॉडी है पूरी, उसको ब्लड, उसको डिजीज से बचाते हैं। ठीक है, स्केलेटल टिश्यूज, अगर स्केलेटल टिश्यूज की मैं बात करूं तो सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यूज एंड अलोज मूवमेंट, ये क्या करती है, ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और हमारी मूवमेंट में मदद करते हैं। ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी, ये जो पूरा हमारा स्केलेटल एक ढांचे को कहते हैं। ठीक है, हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर ये बना होता है, स्केलेटल है, ठीक है, हमारा ढांचा है पूरा, तो इसमें हमारा विथआउट बोन्स या विथआउट मसल्स हमारी मूवमेंट, वी आर नॉट एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विथआउट मसल या मतलब विथआउट बोन्स। बोन्स और मसल्स मिलकर स्केलेटल बनाते हैं। ठीक है, तो मतलब ये हमारे जो है मूवमेंट में काम आते हैं। ठीक है,
ठीक है, विदाउट स्केलेटल सिस्टम और बॉडी वी कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हम जो है एक दूसरी एक जगह से दूसरी जगह तक काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप ये फर्दर जब नाइन्थ क्लास में आएंगे तो फिर आप इनके टाइप्स पढ़ेंगे, मसल्स के और बोन्स के टाइप पढ़ेंगे, तीन टाइप के बोन होते हैं। ठीक है, उसके बाद नर्वस टिश्यू आते हैं, नर्वस टिश्यूज। यहां पर आप देखेंगे तो मैंने लिखा था मोटर न्यूरॉन। दरअसल ये नर्वस सिस्टम जो है इसके दो टाइप होते हैं नर्वस सिस्टम के, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड अनदर नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो अगर मैं ये मोटर न्यूरॉन तो मैंने टाइप्स लिखी थी न्यूरॉन की, ठीक है, लेकिन ये जो नर्वस सिस्टम के फिर जो है वो टाइप्स होते हैं न्यूरॉन, जो नर्वस सिस्टम जो बना होता है वो आपका न्यूरॉन का बना होता है, फिर न्यूरॉन के टाइप्स होते हैं। लेकिन अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करूं तो ये जो वर्क करता है ये एक टिश्यू है नर्वस सिस्टम, ठीक है, वो हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं या पूरी हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। एक एक नर्वस सिस्टम जो होता है वो पेरिफेरल होता है, एक नर्वस सिस्टम जो होता है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड बनता है, जिसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है बेटा, तो अगर इसकी मैं बात करूँ तो नर्वस सिस्टम जो है वो दरअसल हमारे नर्व इम्पल्स जो है एक मैसेज है उसको कैरी करता है, उसको जनरेट करते हैं या उसको आगे ले भी जाते हैं, कैरी भी करते हैं और उसको जनरेट भी करते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो है हमारा मैसेज जो हमारी बॉडी में है, फॉर एग्जांपल हम कोई मूवमेंट करते हैं या हम कोई बात करते हैं या हम कोई रनिंग करते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं विद द हेल्प ऑफ, या हमें कोई चोट लगती है हमें फील होता है विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यूज। ठीक है बेटा, उसके बाद आपके आते हैं मसल्स टिश्यूज। मसल्स टिश्यूज मैंने बता दिया था कि मसल्स टिश्यूज हैं जो वो हमारे मसल्स को बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, ये कंट्रैक्ट टू सपोर्ट एंड मूव द बॉडी, ये जो है कंट्रैक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और हमारी बॉडी को मूव कराने में मदद करते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा, इंशाल्लाह फर्दर वी विल मीट एज सून एज पॉसिबल। लेकिन आपकी जो जाहिर है वो है कि एनी थ्री डिफरेंस बिटवीन सेल एंड टिश्यू, आपको जो है वो फाइंड करने हैं कोई भी तीन डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज में। ठीक है, इंशाल्लाह फर्दर आपसे फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, आप फिर एक दफा फिर देख लें सारा का सारा है, इसकी डेफिनेशन आप खुद बना सकते हैं, वर्बली मैंने तो बता दिया है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं, ब्लड क्या होते हैं, ठीक है, स्केलेटल टिश्यूज क्या होते हैं, नर्वस टिश्यूज क्या होते हैं, मसल्स टिश्यूज क्या होते हैं, ठीक है, इनकी डेफिनेशन आप खुद बना सकते हैं। सो इंशाल्लाह आपसे फिर दूसरे लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, स्टे सेफ, स्टे होम, खुदा हाफिज़।